खबर बैतूल जिले के मुलताई से नगर के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह स्वर्ण जयंती एक्सप्रेसवे से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके शव को आमला जीआरपी और पुलिस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया था। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं होने से शव को 3 दिनों से सरकारी अस्पताल के मरचूरी में रखा गया था। मामले में जीआरपी थाना आमला द्वारा मर्ग क्रमांक 15/2023 धारा 174 सीआरपीसी कायम किया गया, जिसमें मृतक की पहचान मुस्लिम के रूप में की गई। 3 दिनों में मृतक को लेने परिजन समाज या और कोई संगठन का व्यक्ति नहीं पहुंचा। 3 दिन बाद भी परिजनों को पता नहीं होने पर मृतक का शनिवार को सीएचसी में पोस्टमार्टम कर मुस्लिम रीति रिवाज से नगर के कब्रिस्तान में जीआरपी पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर की अल फैज वेलफेयर सोसाइटी और मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के सदस्यों ने इंसानियत के खातिर मृत व्यक्ति के कफन दफन का इंतजाम किया। हमको ये ज्ञात हुआ था रेलवे पुलिस द्वारा कि जो मृतक है वो मुस्लिम समाज का जान पड़ता है और अभी तक इनके कोई परिवार वालों ने हमसे संपर्क नहीं किया है। तो हमारी जो संस्था है अल्फेज वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश शासन से रजिस्टर्ड, हमने उस संस्था के माध्यम से शासन को आवेदन देके शव को अपने हैंडओवर लेकर मुस्लिम कब्रस्तान में आज उसको दफन करने का इंतजाम किया है। और दफन करने के बाद में हम लोग सोशल वर्क करते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे अदर मुस्लिम, कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम उनके साथ में भी सब ये सब काम करने के लिए, पुण्य का काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद। जीआरपी थाना आमला मैं पदस्थ हूँ। मेरा नाम दीपक खलोटे, मैं कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ हूँ। जैसे कि 25 तारीख को एक अज्ञात व्यक्ति ट्रैक पर पड़ा मिला था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसका पीएम आज दिनांक 27 को कराया। उसके बाद सोसाइटी द्वारा, कौन सी कंपनी, अल्फेज सोसाइटी द्वारा इनका कफन दफन करवाया, साथ में रहकर। ये पूरा आपकी निगरानी में हुआ? ये पूरे मेरी निगरानी में ही। अच्छा, ये आपकी जांच में पता चला कि वो व्यक्ति मुस्लिम है? जी, है ना, आपकी जांच में पता चला। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।